आज दोपहर जयपुर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। सिप्रापत इलाके में शनिवार दोपहर कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े कैश वैन के सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने कार सवार हथियारबंद बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर भर में नाकेबंदी कराई है। गोली लगने से घायल सुरक्षा गार्ड का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टा जांच में वारदात को अंजाम देकर करीब 26 लाख रुपए लूट कर ले जाना सामने आया है। पुलिस ने बताया कि वारदात सिप्रापत इलाके में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ICICI बैंक की शाखा के बाहर की है। दोपहर करीब 2:45 बजे कैश वैन से बैंक में रुपयों को शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान कार में आए हथियारबंद बदमाशों ने हमला बोल दिया। वैन के पास खड़े सुरक्षा गार्ड पर फायर किया। सुरक्षा गार्ड पेट में गोली लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। वहीं बदमाश हथियार के दम पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई और मौके पर पहुंची।